आपको बताते हैं, नाअहल करने पर नवाज शरीफ बार बार एक ही बात कहते हैं, मुझे क्यों निकाला। इसी बात का जवाब देने के लिए पीटीआई मैदान में आ गई। तहरीक इंसाफ ने हेलीकॉप्टर के जरिए रावलपिंडी में पर्चे गिराना शुरू कर दिए। इसमें कोई हैरत की बात नहीं, अगर उमर खयाम की रुबाई सुनहरे वक्त की बजाय पथरीली जमीन पर लिख दी जाए तो क्या उसकी मानी बदल जाएंगे? नहीं तो फिर तुम्हारे महावली ने हमारे लिए जो कुछ भी सोचा है गलत ही सोचा है। फिल्म मुगले आजम में जहांगीर का किरदार अदा करने वाले दिलीप कुमार का कहना था, फिल्म खत्म होने के 6 माह तक मैं अपने आप को शहनशाह जहांगीर समझता रहा और मेरी हालत पागलों जैसी हो गई थी। मुझे कई अरसे माहिर नफ्सियात से इलाज करवाना पड़ा। उसे फरजंद अर्जुमंद वली अहद सल्तनत फरोग दूध माने बादशाही और बख्तियारी चराग खानदान शौकत और ताजदारी नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम कल हलसवा शाही महल छोड़ दें और मुस्ताद और तैयार लश्कर जर्रार लेकर दकन की तरफ कूच फरमाएं। इसी तरह का हाल अब नवाज शरीफ का है, जिन्हें यकीन नहीं हो रहा कि इनका 35 साल अरूज जवाल पजीर हो चुका है और वो नाअहल हो चुके हैं। भुजरा वाला के आवाम क्यों निकाला गया नवाज शरीफ को बताओ, क्या करप्शन की थी मैंने, क्या करप्शन की थी नवाज शरीफ ने, क्या रिश्वत नवाज शरीफ ने, कौन सी कमीशन नवाज शरीफ ने दी थी, कौन सा रुपया खुद पुर्द किया था बताओ मुझे। नाअहल वजीर आजम के सवाल मुझे क्यों निकाला का जवाब देने के लिए तहरीक इंसाफ ने हम बताते हैं कि क्यों निकाला आपको के उन्वान से तैयार करदा पर्चा मुल्क भर में तकसीम करने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ नून लीग पर खूब तंज के निश्तर बरसा रही है। पीटीआई तर्जुमान के मुताबिक इन्हें पहले से इल्म था कि अंग्रेजी में की गई कार्रवाई नवाज शरीफ को समझ नहीं आएगी। नवाज शरीफ को काफी वक्त भी दिया कि वो किसी अंग्रेजी जानने वाले से समझ लें कि इन्हें क्यों निकाला। आखिरकार हमें ही बताना पड़ रहा है कि मियां साहब को क्यों निकाला गया। मुरझाना बाहर की रुसवाई है, क्यों निकाला गया नवाज शरीफ को बताओ, क्या करप्शन की थी नवाज शरीफ ने।